रहेंगे। अगर हमें खुश रहना है उसके लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। गुड हैबिट्स, गुड फूड, एक्सरसाइज, गुड पोस्चर, रिक्रिएशन, रेस्ट एंड स्लीप कीप आवर बॉडी फिट। गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें, गुड फूड अच्छा खाना, एक्सरसाइज व्यायाम, गुड पोस्चर सही मुद्रा, रिक्रिएशन मनोरंजन, रेस्ट आराम एंड स्लीप और सोना, ये सब हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। अगर हमें फिट रहना है तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, जैसे गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स कीप अस हेल्दी एंड फिट। अगर हमारी आदतें अच्छी होंगी तभी हम स्वस्थ और फिट रह सकेंगे। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर हमें फिट रहना है, स्वस्थ रहना है तो हमें सुबह रोज जल्दी उठना होगा। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। जब हम टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो उसके बाद हमें अपने हैंड्स को वॉश करना होगा सोप से। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। और हमें अपने टीथ को ब्रश करना है ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में दो बार, एक बार जब आप सुबह उठते हो और रात को सोने से पहले। वी शुड टेक बाथ डेली एंड वियर क्लीन क्लोथ्स। और हमें क्या करना है, डेली नहाना है और साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। सेकेंड है हमारे जो हमें जो हेल्दी रखने के लिए जो थिंग है वो है गुड फूड। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अच्छा खाना खाना होगा, जैसे वी शुड वेल गुड फूड हैबिट्स। उसके लिए हमें अपनी अच्छी गुड फूड हैबिट्स को डेवलप करना होगा, यानी कि हमें अच्छी गुड हैबिट्स जो अच्छी फूड गुड हैबिट होती है उन्हें अपनाना होगा। वी शुड ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। हमें हमेशा फ्रेश यानी ताज़ा और क्लीन साफ भोजन खाना खाना चाहिए। वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स खाने चाहिए। वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली। हमें डेली मिल्क पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए। वी शुड नॉट ईट जंक फूड। हमें जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमिन ये सब नहीं खाना चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। दैट्स व्हाई वी हैव टू अवॉइड इट। हमें इन सब को अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम। एक्सरसाइजेस मेक्स आवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमारी बॉडी मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वी मस्ट डू सम एक्सरसाइज डेली। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जो हम डेली करें, जिसे हमें अपने डेली रूटीन में लाना चाहिए। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। हमें डेली एक मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। वी शुड प्ले इन द पार्क। हमें पार्क में खेलना चाहिए। ऑलवेज प्ले सेफ गेम। और हमेशा हमें ऐसे गेम खेलने चाहिए जो हमारे लिए सेफ हो। नेक्स्ट थिंग इज पोस्चर। पोस्चर है मुद्रा। मुद्रा मीन्स आसन, सही आसन की हमें कैसे खड़े होना चाहिए, हमें कैसे बैठना चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए। पोस्चर इज अ वे वी सिट स्टैंड और वॉक। गुड पोस्चर कीप्स आवर बॉडी फिट। अगर हम सही पोस्चर में उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं तो वो भी हमारी बॉडी को फिट रखता है। वी शुड सिट स्ट्रेट। अभी हमें हमेशा सीधा बैठना चाहिए। वी शुड स्टैंड स्ट्रेट। हमें हमेशा सीधे खड़ा होना चाहिए। वी शुड वॉक स्ट्रेट। हमें हमेशा सीधे चलना चाहिए। हमें कभी अपनी बैक को झुकाकर या नीचे झुककर नहीं चलना चाहिए। दीज आर बैड हैबिट्स। नेक्स्ट इज रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन। जब कभी हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं और थक जाते हैं काम करते करते, तब हमें अपने माइंड में चेंज चाहिए होता है। तो उसके लिए आप अपना कोई भी जैसे जो आपको पसंद हो, लाइक स्टोरी बुक्स रीड कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं।
दीज आर द सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। और अपनी अपनी जो बॉडी है उसको फिट रखने के लिए रिक्रिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लगातार काम करते रहेंगे उससे हमारा बॉडी और माइंड जो थक जाते हैं उनको आराम देने के लिए, उनको फिट रखने के लिए हमें रिक्रिएशन करना ही चाहिए, जिससे हमारी बॉडी हमारा माइंड फिट रहे। नेक्स्ट इज रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप, वी फील टायर्ड आफ्टर अ डे लॉन्ग वर्क। जब हम सारा दिन काम करते हैं तो उसके बाद हम थक जाते हैं। आर बॉडी नीड्स रेस्ट, और हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? रेस्ट। जब तक हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर हम थक गए और हमने रेस्ट भी नहीं किया तो उसके बाद क्या होगा, हम बीमार पड़ सकते हैं। रेस्ट मेक्स आर बॉडी एंड माइंड फ्रेश। रेस्ट करने के बाद हमारी बॉडी और हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। स्लीप गिव्स अस गुड रेस्ट, और जब हम सोते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा आराम का साधन है हमारे लिए। वी शुड स्लीप फॉर एट लीस्ट 8-9 hours ए डे, और हमें एक दिन में कम से कम 8 से 9 घंटे सोना चाहिए। वी आर हैप्पी व्हेन वी आर हेल्दी, और अगर हम हैप्पी रहना चाहते हैं तो हमें हेल्दी रहना होगा। वी शुड वेयर गुड फूड हैबिट्स, हमें कैसी अच्छी खाने की आदतों को अपनी लाइफ में अपनी जीवन शैली में लाना होगा। वी शुड डू सिंपल एक्सरसाइज डेली, हमें डेली एक्सरसाइज करनी होगी। गुड पोस्चर, सीधे खड़े रहना, सीधे बैठना और सीधा चलना, वो हमें फिट रखता है। स्लीप गिव्स अस कंप्लीट रेस्ट, और स्लीप अगर हम सोते हैं तो उससे हमें कंप्लीट रेस्ट मिलता है। नाउ ऑल ऑफ यू हैव लर्न अबाउट कीपिंग, हाउ कैन वी कीप आवरसेल्फ हेल्दी। द फर्स्ट वे इज गुड हैबिट। गुड हैबिट्स लाइक गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वॉश योर हैंड विद द सोप, ब्रश ट्वाइस अ डे, एंड डेली टेक अ बाथ एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स। द नेक्स्ट इज गुड फूड। गुड फूड, वी ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, वी ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वी ऑलवेज वी डेली ड्रिंक, वी हैव टू ड्रिंक मिल्क डेली, एंड वी ड्रिंक क्लीन वाटर एंड अवॉइड जंक फूड। हमें साफ पानी पीना चाहिए, हमें डेली दूध पीना चाहिए, हमें जंक फूड पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन इन सब को अवॉइड करके घर का खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कीप्स आवरसेल्फ हेल्दी। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को लाना होगा। हमें डेली एक्सरसाइज करनी है। यू कैन गो फॉर अ वॉक, आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं। यू कैन प्ले इन द पार्क, आप पार्क में खेल सकते हैं एज ए विश। नेक्स्ट इज पोस्टर। पोस्टर यानी सही मुद्रा। हमें हमेशा अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए सीधे खड़े रहना, सीधा बैठना और सीधा चलना चाहिए। नेक्स्ट इज रिक्रिएशन। रिक्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। रिक्रिएशन मीन्स कि अगर आप कभी भी कोई काम कर रहे हैं और लगातार काम करते करते आप थक जाते हैं तो उसके लिए फिर आपको रेस्ट चाहिए होता है। तो बीच में आपको क्या करना है, अपनी जो कोई भी हॉबी है जो आपको अच्छा लगता है, आपको बुक्स रीडिंग अच्छी लगती है, आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, आपको कोई गेम इंडोर गेम्स लाइक लूडो कैरम आप कुछ भी खेल सकते हो जिससे आपका माइंड चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप इज मस्ट फॉर आवर बॉडी। रेस्ट हमारी बॉडी को आराम देता है। जब हम पूरा दिन काम करने के बाद थक जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, रेस्ट। और अगर हम लगातार काम करते रहे और रेस्ट ना करें तो क्या होगा, वी विल फॉल सिक, हम बीमार हो सकते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू नीड टेक रेस्ट एट नाइट एंड हैव टू स्लीप 8-9 hours डे। ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव गॉट द चैप्टर। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।